जो तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में, जो वितरागता है, जो शुद्ध परिणति है, जो शुद्धोपयोग है, वास्तव में असली मुनि धर्म तो वो है। और हम तो उस मुनि धर्म को नमस्कार करते हैं। हमारा जो नमोस्तु है वो राग परिणति के लिए नमस्कार नहीं है, वो जो उनकी वीतराग परिणति विद्यमान है, जो उनके शुद्धोपयोग है, हमारा तो नमस्कार उसको है। ख्याल में है ना, मुनिराज एक बार भोजन लेते हैं, मुनिराज इरिया समिति पूर्वक चलते हैं, भाषा समिति पूर्वक बोलते हैं, ख्याल में, इसके कारण उनको नमस्कार नहीं करते। ये तो राग है, ये तो कसाय भाव है, ये तो मलिन भाव है, ये तो अशुद्ध भाव है। मन में आया, ये तो शुभ भाव है, और शुभ भाव आश्रव भाव है, और आश्रव को नमस्कार कैसे करें? जिस आश्रव को सम्यक दृष्टि ने अपने से पहले ही भिन्न जाना और दुख रूप जाना, आश्रव दुख कार गनेरे बुद्धिवंत तने निर्वेरे, ऐसी आश्रव की चर्चा जो पहले नंबर पर पढ़ाई में यही पढ़ाया गया कि ये आश्रव दुखरूप है, ये अपने जीव का स्वरूप नहीं है और इसी के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ, ऐसा जब जिसने जाना और ऐसा श्रद्धान किया, वही तो सम्यक दृष्टि हुआ। फिर ऐसा सम्यक दृष्टि उस स्वभाव रूप क्रिया को, उस स्वभाव रूप भाव को नमस्कार कैसे कर सकता है? तो भाई सम्यक दृष्टि मुनिराज को नमस्कार तो करता है। अरे भाई, नमस्कार तो जैसा होगा वैसे ही होगा, लेकिन नमस्कार उस क्रिया को नहीं, नमस्कार स्वभाव को नहीं, नमस्कार तो शुद्ध भाव को है, शुद्ध उपयोग को है, उस वितरागता के लिए है, और किसी के लिए मेरा नमस्कार नहीं है। इसलिए मुनिराज का जब भी बात आवे तो शुद्धोपयोगी मुनिवर ऐसे याद आना चाहिए। समझ में आया, शुद्धोपयोगी मुनिवर। जे सब एक बार खाते हैं, ऐसे सोते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसे रहते, ये याद नहीं आना चाहिए। ये तो जड़ की क्रिया है, ये तो बाहर का जीवन है, ये तो मुनिराज से तो मलिन भाव मानते, दुखरूप मानते हैं, कसाय भाव मानते हैं। वे तो खुद ही इसे कहते हैं राग है और यह आग है, ये तो राग दुखरूप है, इसको क्या नमस्कार करना। समझ में आया। और उदाहरण दे रहे थे कि भाई जब राजा ऋषभ देव ने दीक्षा ली, मुनि धर्म अंगीकार किया, तो उनके देखा देखी 4000 और मुनि बन गए, और वे 4000 मुनि बन गए तो वे भ्रष्ट हो गए, क्योंकि वस्तु का स्वरूप तो पता नहीं था। बस हमारे राजा जैसा जैसा करते हैं हम तो वैसा वैसा करेंगे, हमारे राजा को वैराग आ गया तो हमें भी वैराग आ गया, और राजा ने नग्न दिगंबर मुनि धर्म अंगीकार किया तो हम भी कर लेते हैं। फिर बाद में क्या हुआ कि भ्रष्ट हो गए, पेड़ के पत्ते ओढ़ लिए, ठंड लगने लगी, खाने लगे, कंदमूल खाने लगे, कुछ भी जो मिला वो। तो फिर इंद्र आया, ये नहीं चलेगा। तो गुरुदेव बहुत अच्छा ले रहे थे कि भाई उस समय तो इंद्र आ गया, इस समय तो ऐसा पाप का उदय कि इंद्र भी नहीं आता। समझ में आया, ऐसा समझा रहे थे भाई उस समय तो इंद्र आ गया समझाने, ये नहीं चलेगा, ये जैन धर्म में ऐसा स्वरूप नहीं है। लेकिन अभी तो बहुत विरुद्ध कार्य हो रहे हैं जैन धर्म के नाम पर, सब तो इंद्र के अभ्यंतर भी नहीं आते हैं, कम से कम अभ्यंतर ही आ जाए दो चार के, भैया क्या कर रहे हो, हैं खल में है, वो भी नहीं आते हैं। तो भैया ये स्वरूप है कि भाई क्या कर सकते हैं, मुनियों का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो जैनी लोग पहचानते नहीं है। जैन धर्म में मुनि कितना उत्कृष्ट स्वरूप है मुनि का, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और आजकल के जो श्रावक हैं वो तो बहुत कम स्वाध्याय करते हैं, अथवा ऐसा कहना चाहिए कि स्वाध्याय ही नहीं करते। और वो स्वाध्याय नहीं करते इसके कारण वे मुनि का सही स्वरूप नहीं पहचानते, और मुनि का सही स्वरूप नहीं पहचानते तो वो ठगिया पैदा होते हैं। समझ में आया, जैसे तुम पैसे की पहचान नहीं जानोगे कि पैसा सही कौन सा है, तुम्हें कोई नकली नोट पकड़ा देगा, है ना, और तुम लेके फिर तुम कहते रही हमने देख। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, श्री गुरु कहते हैं कि तुम मुनियों का सच्चा स्वरूप नहीं जानते,
तो ये भेष धारण कर लेते हैं और कुगुरु तुम्हें ठग लेते हैं और तुम उनके पीछे मंत्र तंत्र और ऐसे पड़ जाते हैं और भी तुम्हें ऐसी बातें सिखा देते हैं, हम तुम्हें मंत्र दे देंगे, हम तुम्हें ऐसे बता देंगे, हम ये बता देंगे, तुम्हारे घर में पैसा आ जाएगा, समृद्धि हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, क्या क्या। तो ये बेचारा लालची होता है, कसायों से प्रेरित है, संसारी जीव है, लोहे के वशीभूत है, मुनिराज का स्वरूप जानता नहीं, वस्तु स्वरूप जानता है। क्यों जाने कैसे, स्वाध्याय आदि करे तो जाने, तो स्वाध्याय आदि से दूर भगता है। और जो स्वाध्याय करते हैं उनके विरुद्ध ऐसी पट्टी पड़ा दी उनको गुरुओं ने कि भाई उनके पास मत जाना, समझ में आया, वे तुम्हें नरक पहुंचा देंगे, वे पापी हैं, वे मुनियों को नहीं मानते, वे स्वाध्याय करते हैं, ऐसे उनके खिलाफ पट्टी पड़ा दी। सो बेचारा स्वाध्याय में जावे भी तो जावे कहाँ, और फिर उससे वो कहवे के साहब स्वाध्याय करना है, सो उसको ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय बता देवे जिनमें व्यवहार के मुनियों की बहुत प्रशंसा की गई हो कि भैया मुनियों को मानो, ये करो, उसमें साधु का स्वरूप तो लिखा नहीं। आप जैसे प्रथमान योग है, तो अब प्रथमान योग में साधु का स्वरूप नहीं लिखा रहता। प्रथमान योग में तो क्या होता है कि उसने दीक्षा ली और मुनि बन गया और मुख चला गया, दीक्षा ली मुनि बन गया, वो धन्य मुनि रहा, और उसने मुनिराज की ऐसी भक्ति करी, मुनिराज की ऐसी भक्ति करी, उसके कष्ट दूर हो गए, उसका ऐसा हो गया, तो वो तो और उसी की बात की पुष्टि करता है। उसने एक बार मुनिराज को हार दिया तो उसके जन्मों जन्मों के पाप कट गए, तो वो तो उसी की पुष्टि करता है। सो वो स्वाध्याय के नाम पर भी ऐसे श्रावकों को ऐसे ही ग्रंथों का स्वाध्याय रुचा देते हैं कि वे उन्हीं की क्रिया कांड को पुष्ट करते हैं। और जो सच्चा स्वरूप बताने वाले शास्त्र हैं वे पंडितों ने लिखे हैं, वे पुराने हैं, उनको नहीं पढ़ना, उनको नहीं, उनमें सही नहीं है, इनने गलत छाप दिया है, इन लोगों से दूर रहो, समझ में आया, ये स्वच्छंदी हैं, ये फला है, ऐसे कुछ समझ में माहौल बना के जो असली स्वाध्याय है, जो असली तत्व है, उससे दूर कर देते हैं। सो भली होनहार है उन जीवों की, उडमल जी साहब कहते हैं, भली होनहार है उन जीवों की जो ऐसे पंचम काल में, ऐसे दुखमा काल में, जहाँ पर कुगुरु कुदेव कु शास्त्र का तांडव हो रहा है, जहाँ पर गृहित मिथ्यात की नदियाँ बह रही हैं, जहाँ पर सच्चा तत्व समझने वाले हैं ही नहीं, धन्य है वे जीव ऐसे काल में जो स्वानुभव की चर्चा करते हैं। हमारे लिए टोडरमल जी साहब ने धन्य कहा है कि धन्यो तुम जो तुम स्वानुभव की चर्चा सुनते हो, स्वानुभव करते हो तो दबर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन तुम ये पक्ष आ गया, इतना सुनने में ही आ जाते हो तो अभी कम बात भाग्यशाली नहीं हो, कल में है ना। सो हम तुम्हारी कभी तुम्हारी खिंचाई भी करते हैं तो तुम डरा मत करो, ये तो तुम्हें और आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, बुरा नहीं मानना। सब श्रोताओं से कहते हैं कभी भी कोई अपने को तत्व की चर्चा सुनाता है, गुरु अपन को डांटता है तो इसलिए डांटता है कि तुम सही मार्ग पे और आगे बढ़ो, हाँ और आगे बढ़ो, समझ में, माँ के समान, पिता के समान, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, अहित नहीं चाहता, तुमसे कोई कसाय भाव नहीं रखता, समझ में आया। वो तो सहज इसलिए कि भाई तुम्हें गलती करते हो तो सुधर जाए, वहां की धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की चर्चा सुनते हैं करते हैं।